फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही अमेजिंग सीक्रेट लेकर आई हूँ रिगार्डिंग स्किन, जो आपकी स्किन ब्लेमिशेस को कवर करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स को कवर करेगा और इसके अलावा आपको स्मूथ और रिंकल फ्री एंड स्पॉटलेस स्किन आपको प्रोवाइड करेगा। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है एक पार्सल से जो मैंने दराज से ऑर्डर किया है, ठीक है। अब इस पैकेज में क्या है वो देखते हैं। जी तो जनाब, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स ओपन द पैकेज। व्हाट्स इनसाइड? है हिमानी का रोजिप ऑयल। तो जनाब, ये है हिमानी का रोजिप ऑयल, ठीक है। मैंने द्रास से ऑर्डर किया है, ये ऑफ पे नहीं मंगाया मैंने। अभी तो वो सेल लगी हुई है वहाँ पे, आज़ादी सेल्स बहुत ज़्यादा लगी हुई है द्रास पे। आप भी इसका जो है वो पार्सल आप ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग प्राइसेस आई हुई है डिस्काउंट पे। जी तो जनाब, ये मैंने कर लिया इसको ओपन, ठीक है। ये है इसकी पैकिंग, रोजहिप ऑयल, बेस्ट ऑयल है ये फॉर स्किन, फॉर रिंकल्स, फॉर एजिंग, फॉर डार्क स्पॉट्स। बहुत ही अमेजिंग है ये। आप अपनी जो है, अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है स्किन पे, आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर आपको किसी टाइप का लाइक वो स्किन प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स का इशू है आपको, और इसके अलावा रिंकल्स का इशू का मसला है, उसके लिए बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट है रोजहिप ऑयल। मैंने इससे पहले किसी और कंपनी का ऑर्डर किया था, दैट वॉज ऑल्सो बेस्ट। ऑयल तो ऑयल है ना, वो आपको किसी भी कंपनी का ले लें, ज़ाहिर है वो तो एक नेचुरल चीज़ है तो वो वैसे ही होगी। अच्छा, मेरे पास पहले वाला कोई था किसी कंपनी का, वो मैंने इसमें डाला हुआ है। ये भी हिमानी का टी ट्री ऑयल मैंने जो मंगवाया हुआ था, तो उसमें मैंने डाला हुआ है। तो ये देखते हैं जनाब, ये कैसा है। मैंने हिमानी का अभी जी तो जनाब, ये रोजहिप ऑयल जो है, इसको मैं देखती हूँ कि ये किस तरह से है, इसका टेक्सचर क्या है और ये कलर कैसा है इसका। अच्छा, मैंने अक्सर YouTube पे देखा है कलर जिसका होता है थोड़ा येलोइश सा, तो देखते हैं इसका कैसा है कलर। लिटिल बिट येलोइश, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं है। स्किन पे ट्राई करती हूँ, नहीं बिल्कुल स्किन पे तो ट्रांसपेरेंट सा आ रहा है। तो ये जनाब, अच्छा आ गया, मेरे पास ड्रॉपर नहीं था। ये लोग इसकी बॉटल इस तरह से ही देते हैं, ये ड्रॉपर नहीं होता इसके साथ। तो इस तरह से ये इसका टेक्सचर है, ठीक है। और इस तरह से ये स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं आप। जी तो जनाब, यहाँ तक बात थी हमारी रोजहिप ऑयल की स्किन के ऊपर, ठीक है, कि ये स्किन के ऊपर कैसे एक्ट करता है। बट नाउ आई एम गोना गिव एन ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट हिमानी प्रोडक्ट, ठीक है, कि हिमानी का रोजहिप ऑयल कैसा है। लेट्स कंपेयर बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। मेरे पास अभी इसका वो तो नहीं है जो रियल था, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया है, वो भी ऐसी सी बॉटल आई थी। लेट मी शो यू द स्क्रीनशॉट। ऐसी सी बॉटल है इसकी भी, तो इस वजह से ना मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया था, बिकॉज़ मुझे स्किन के ऊपर अप्लाई करना था ना, तो उसके लिए मुझे ये तकरीबन कह लें कि चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ यू नो ड्रॉपर, सो दैट आई कैन ईजीली अप्लाई इट ऑन माई स्किन विद दिस ड्रॉपर। तो मैंने ये टी ट्री ऑयल की बॉटल में जो है कन्वर्ट कर लिया था। अच्छा जी, तो जनाब अब बात करते हैं इसके रिव्यू की, ठीक है।
अगर आप कंपेयर करें हिमानी के ऑयल को विद द अदर कंपनीज, तो हिमानी का ऑयल बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, आई एम रियली रिग्रेटिंग कि काश मैंने पहले कोई वीडियो देख ली होती इसके रोज़िप ऑयल के ऊपर। बेकार तरीन रोज़िप ऑयल है ये। ठीक है, इट्स नॉट यू नो लाइक अदर कंपनीज अदर रोज़िप ऑयल। ये जब मैंने पहले ऑर्डर किया था तो इट वाज जस्ट लाइक अ सीरम। ठीक है, ये बिल्कुल सीरम की तरह है, इट्स नॉट एन ऑयल। ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ सीरम जो आप ऐसे अप्लाई करते हो। ठीक है, यूं। और ये फ़ौरन से इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ऑसम है कि मैं कहती हूँ आप इसको ह्यूमिडिफायर में भी यूज़ कर सकते हो। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी मज़े की, इसकी स्मेल है, इसका टेक्सचर, और ये बिल्कुल थोड़ी देर के बाद सीरम की तरह स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, गायब हो जाता है, जबकि हिमानी का ऑयल बिल्कुल गायब नहीं होता। ये एज इट इज़ स्किन पे रहता है। ठीक है, और बिल्कुल यूँ लग रहा है जैसे सरसों के तेल में ना बस कुछ बनाया हुआ है। आई डोंट नो ये क्या है सिस्टम इनका। मैंने ये यूज़ नहीं किया, ठीक है, मैं जस्ट रिव्यू कर रही हूँ। वैसे रोज़िप ऑयल इज़ अ बेस्ट थिंग। ठीक है, मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा है फॉर स्किन, फॉर एक्नी स्पॉट्स, फॉर डार्क यू नो डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स, फॉर एजिंग। ठीक है, आपको ये आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, लाइटन करता है। आई स्वेयर ये आपका कॉम्प्लेक्शन भी लाइट करता है। आप कुछ भी कोई क्रीम ना यूज़ करें, कुछ ना करें इसको, जस्ट आप एज अ नाइट क्रीम यूज़ करें तो ये आपको जो है नाइट क्रीम की तरह फेयरनेस भी देता है, और आपके जो ब्लेमिशेज हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी है, उसको भी जो है ये क्योर करता है। विद इन अ मंथ मैंने इसके मिरेकुलस रिजल्ट देखे हैं, बहुत अमेजिंग है ये। आप ज़रूर रोज़िप ऑयल यूज़ करें, लेकिन हिमानी का नहीं। ठीक है, हिमानी का नहीं, क्योंकि हिमानी का जो है ना बिल्कुल इट्स लाइक एन ऑयल। आई डोंट नो, अब इन्होंने कोकोनट ऑयल में कुछ इन्होंने डाल के कुछ बनाया हुआ है अपनी तरफ से, कोई किसी किस्म का रोज़िप ऑयल। मोस्टली लोग जो है वो इसका रिव्यू भी कर रहे हैं ये वो, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू, हिमानी का जो रोज़िप ऑयल है मुझे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये वो चीज़ ही नहीं है, इसका टेक्सचर ही वो नहीं है। इसका रोज़िप ऑयल का तो टेक्सचर ही बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई सीरम है, लगाते साथ ही स्किन में एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद बिल्कुल ऐसे जैसे हेलोरॉनिक एसिड आप लगाते हैं ना, हेलोरॉनिक सीरम, तो वो आपको बिल्कुल लगाने के बाद बिल्कुल जैसे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। हिमानी का ये वाला रोज़िप ऑयल तो बिल्कुल बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ना इसकी स्मेल वैसी है, ना इसका टेक्सचर वैसा है। आई डोंट नो अब रिजल्ट क्या होंगे, मैंने तो मंगा भी दो लिए हैं एंड आई एम वेरी रिग्रेटिंग ओवर इट कि मैंने इकट्ठे दो ऑर्डर कर लिए। तो इस वजह से आप ये बिल्कुल ऑर्डर नहीं करें। ठीक है, मैं आपको यहाँ रोज़िप ऑयल दिखा रही हूँ। ठीक है, आप ये वाला रोज़िप ऑयल जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा चिल्तन प्योर का भी बहुत अच्छा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हिमानी नहीं, नॉट हिमानी। हिमानी का इसके जस्ट एक तो फेस वॉशेस अच्छे हैं, इसके अलावा मुझे इसके कुछ खास रिजल्ट्स नहीं लगते। मैंने इसके बहुत सारे ऑयल्स भी यूज़ किए हैं, इसकी क्रीम्स भी यूज़ किए हैं, बट नॉट एज मच एज इफेक्टिव एज इट शुड बी, जितनी इसकी एडवर्टीजमेंट है इस कंपनी की, हिमानी की, तो मुझे उस तरह से नहीं लगा। तो ये था एक कह लें कि मशवरा। और रोज़िप ऑयल आपने ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, इट वॉज़ अबाउट रोज़िप ऑयल, दिस वीडियो वॉज अबाउट रोज़िप ऑयल, बट रोज़िप ऑयल जो है वो टोटली इससे चेंज है, हिमानी के रोज़िप ऑयल से चेंज है। ठीक है, आपने हिमानी का नहीं लेना, और भी आप और कोई भी प्रोडक्ट जो है आपको किसी भी कंपनी का जो रोज़िप ऑयल है वो ले सकते हैं। ठीक है, दराज भरा पड़ा है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। चिल्तन प्योर का मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, और इसके अलावा ये जो है कंपनी हर्बोलॉजी का, ठीक है, इसका बेस्ट है। आप इसका रोज़िप ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने इस बॉटल में यही डाला हुआ है, तो ये बेस्ट है, बेस्ट रिजल्ट्स के साथ है। ठीक है, तो आप ये ज़रूर यूज़ करें। जो लोग एक्नी से तंग आए हुए हैं, जो लोग डार्क स्पॉट से, रिंकल से तंग आए हुए हैं, झुर्रियों से, छाइयों से तंग आए हुए हैं, उनके लिए ये बेस्ट बेस्ट चीज़ है। आपने बस कंसिस्टेंट होकर इसको यूज़ करना है, आपको विद इन अ वीक आपको फिर ये ऐसे आपको जब रिजल्ट देता है ना, तो आपका दिल ही नहीं करता इसको छोड़ने को। तो आप ज़रूर यूज़ करें,
ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो जनाब, और कह लें कि एक ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट हिमानी ऑयल्स एंड हिमानी रोज़े पॉइल विच वॉज़ नॉट गुड इन माई ओपिनियन, इट्स नॉट गुड। अगर आपके पास हिमानी और रोज़े पॉइल पहले से पड़ा हुआ है तो आप किसी भी दूसरी कंपनी का मंगा के देख लें, देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टू। तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा, ठीक है, तो आप लोग भी अगर ये लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इसके वैसे रिजल्ट्स आएंगे। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, आई होप यू वुड लाइक इट, एंड स्टे ट्यून्ड, एंड प्लीज़ प्लीज़ यार क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लिया करो, अच्छी वीडियोज़ ही मिलती हैं, अच्छे मशवरे ही मिलते हैं, अच्छे मशवरे ही देती हूँ आप लोगों को तो। लेकिन आप लोग इतनी कंजूसी दिखाते हैं, मैं जब अपनी वीडियोज़ देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि थाउजेंड्स में जो है वो व्यूज़ होते हैं, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं तो। लेकिन जब मैं सब्सक्राइबर्स देखती हूँ तो वो उस तरह से नहीं होते, तो प्लीज़ यार डू सपोर्ट एंड डू अप्रिशिएट, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँ। बीच में मैं रुक भी जाती हूँ बिकॉज़ अप्रिसिएशन नहीं मिलते, फिर मेरा थोड़ा सा ना वो जो है ना स्टेमिना थोड़ा कम हो जाता है वीडियो बनाने वाला। तो प्लीज़ प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो वीडियो को देख के, तो रिक्वेस्ट है बस, मान लो तो अच्छा है। चलें ठीक है, ओके गाइज, देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।